गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए क्लास एक सब्जेक्ट हमारा मैथ, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं अभ्यास 2.1। हमारा रिवीजन चल रहा है अभ्यास 2.1 का, जिसमें हमने कल 7 प्रश्न पढ़े थे। हम कल कुल 7 प्रश्न पढ़े थे, आज हम 8वां से शुरू करेंगे। 8वां प्रश्न देखिए है क्या, करा कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। यहाँ पे कुछ कथन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। मतलब वो जो कह रहा है उसकी बात क्या सही है, यदि सही कह रहा है तब तो सही है, यदि गलत है तो फिर हमें यहाँ पे गलत लगाना है। तो 8 प्रश्न यही है हमारा प्रश्न नंबर 999 तो देखिए क्या ये जो कह रहा है सही है। कह रहा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999 है। तो प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं, हम पढ़े हैं कि 1 से लेके 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, अनंत मतलब जिसका अंत ही नहीं है, तो ये कहने का मतलब है कि 999 ही सबसे बड़ा है। 999 1000 हो जाएगा तब तो उससे बड़ा हो जाएगा और 1000 ही प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये जो कह रहा है ये क्या है, ये नहीं हो सकता कि 999 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। यदि सबसे छोटी कहता है तो वो सबसे छोटी जहाँ से शुरू होती है वो पता है कि 1 है, लेकिन सबसे बड़ी कहाँ ये खत्म होती है ये नहीं पता है। अब दूसरा प्रश्न है कि 99 की पूर्ववर्ती संख्या 100 है। हो सकता है।
ठीक है, ये हमारा सही है। Thank you.
है। तो देखिए ए बी सी डी और ई को तीन संख्याओं से दर्शाया गया है। तो देखिए ए ए किसको दर्शा रहा है? तीन को। बी बी किसको दर्शा रहा है? चार को। और सी सी किसको दर्शा रहा है? छह को। और डी दर्शा रहा है आपका सात को। और फिर यहाँ तक पूछा है ई तक पूछा है और ई जो है दर्शा रहा है दर्शा रहा है। सी है
प्राक की संख्या लिखिए। अब संख्या जो भी दिया है उसकी तीन क्रमागत प्राक की संख्या, मतलब उसके आगे की तीन क्रम से आने वाली संख्या को आपको लिखना है। जैसे पहला दिया है क्या 47, तो 47 की तीन क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 47 के बाद क्या आता है 48 के बाद क्या आता है आपका 49 के बाद क्या आता है आपका 50, ये हो जाएगा तीन क्रमागत संख्या की। और फिर है दूसरा 155 की तीन क्रमागत संख्या लिखिए, तो 196, 197, 196 ये हो जाएगा। फिर है आपका 1019, कितना है 1019, तो देखिए क्या आ जाएगा 1020, इसमें क्या आएगा 20, 1000 ये आ जाएंगे क्रमागत संख्याएं। ठीक है, जरा लिखिए। इस तरह से आपका अभ्यास 2.1 रिवीजन खत्म हो गया। ये सारा प्रश्न रिवीजन कर लिए हैं। हो गया सप्ताह। आगे हम अब 2.3 पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट जिसमें जो हमें जानना है, ठीक है। जैसे दिया है कि पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं, तो पूर्ण संख्या को हम चार मूलभूत संक्रियाएं कर सकते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो पूर्ण संख्याओं में हम चार क्रियाएं कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग। अब हम इन चिन्हों का पूर्ण संख्याओं पर उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो योग के गुणधर्म, अब योग के कौन कौन से गुण हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि योग हम किस तरह से पढ़ सकते हैं योग के गुण। देखिए दिया गया पहला कि गुण एक है आपका संवरण नियम, पहला गुण है संवरण नियम। देखिए संवरण नियम क्या है, तरह यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं, तरह यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तथा a प्लस b बराबर c हो तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी। मतलब कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए, मतलब तो जो तीसरी संख्या आएगी वो भी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ये नियम यही कह रहा है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जो तीसरी हमें संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। यही कह रहा है कि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तथा a प्लस b बराबर c है तो जो c भी क्या है, पूर्ण संख्या होगी। समझ में आया कि यहाँ पे संवरण नियम क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी संख्या जो योग मिलेगा वो भी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। जैसे हम 2+7 कर रहे हैं, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ये 2+12 पूर्ण संख्या, 5 क्या है, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या। तो मिला क्या है, 5 को 7 मिला तो 7 भी क्या होगा, आपका पूर्ण संख्या होगा। समझ में आया कि दो पूर्ण संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो जो उनका योग मिलेगा हमें वो भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। फिर दूसरा है क्रम विनिमय नियम, दूसरा है क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम क्या है, उनके क्रम पर निर्भर नहीं करता। यदि दो संख्याओं में भी जोड़ना है तो उनके क्रम पर द्वारा निर्भर नहीं करता। यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a प्लस b बराबर b प्लस a होगा। तरह की जो दो संख्याओं का क्रम है जो जोड़ रहे हैं, और यदि उसका हम क्रम बदल कर भी जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। जैसे मान लीजिए 12 और 4,
यदि उनको मतलब कि यदि हम तीन संख्याओं को किसी प्रकार से समूह बनाकर योग करें तो परिणाम एक जैसा ही होगा। मतलब कि तीन संख्याएं हैं, तीन मूल संख्याएं हैं, उनको हम किसी के साथ किसी को भी जोड़ दें, मतलब तीनों को हम आगे पीछे करके किसी तरह भी जोड़े तो तीनों का जोड़ क्या आएगा, समान आएगा। जैसे ठीक है।
133 प्लस 591। तो इधर क्या संख्या नहीं है, 591 नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 591 जोड़ देंगे। अब दूसरा प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित के योग के नियमों के नाम लिखिए। अब योग किया है इसमें, अब किस तरह का योग है हमें यहाँ पे नाम लिखना है। तो देखिए जो पहला है